बिहार चुनाव में कांग्रेस ने मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। इसे लेकर छिड़े सियासी दंगल पर अब खुद उस्मानी ने सफाई दी है। उस्मानी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ना तो उन्होंने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाई और ना ही जिन्ना का समर्थन किया। उस्मानी के मुताबिक बीजेपी का विरोध करने की वजह से वो निशाने पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, क्योंकि आप काफी चर्चित रहे थे, जिन्ना का फोटो लगाया था आपने एएमयू में। नहीं, बिल्कुल गलत बात, मैंने कोई फोटो नहीं लगाया था, बिल्कुल गलत बात। और चर्चित इसीलिए है क्योंकि हम लोग बीजेपी का पुरजोर विरोध करते हैं, और इसके लिए अगर मेरी चर्चा होती है प्रधानमंत्री जी के नीतियों की आलोचना करने के लिए, तो मैं इसको बैच ऑफ ऑनर समझता हूँ। ये मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है कि अगर सरकार की कोई गलत पॉलिसी का अगर हम विरोध करें, ठीक है, और उसके वजह से अगर सरकार हमसे हम पे कोई कार्रवाई करे, उसको विरोध के लिए, हम लोकतंत्र में हम ये समझते हैं लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब आप जो है सकारात्मक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। हम कल भी विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। जो नीतियां सही नहीं है, जो नीतियां अच्छी हैं उनकी तारीफ अगर की जाएगी तो बिल्कुल की जाएगी। तो आप अस्वीकार कर रहे हैं कि हमने जिन्ना का फोटो नहीं लगाया? अरे हम क्यों लगाएंगे भाई, आपके कैसी बात कर रहे हैं? मतलब अभी आपने जिन्ना को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब आप फॉलो करते हैं ये बताइए। नहीं सर, नहीं, आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पर अभी जो मामला मेन चर्चा पूरे बिहार चर्चा, में जो अभी काफी बीजेपी जो चर्चा करेगा वही चर्चा कीजिएगा। तो क्या मुद्दा क्या होगा अभी? अभी आपका मेन मुद्दा क्या? शिक्षा, 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 शिक्षा मुद्दा है मेरा। मेरा मुद्दा स्वास्थ्य है, मेरा मुद्दा जाले का विकास है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बलिया गोलीकांड की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव, जहां चली 20 राउंड गोली वहां पहुंचा इंडिया टीवी।